जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के डाक बंगला चौराहे पे। जैसा कि हर साल देखा जाता है कि डाक बंगला चौराहे का जो पंडाल होता है काफ़ी फेमस माना जाता है, तो इस साल भी राजस्थान के फेमस सरस्वती मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है यहाँ पे पंडाल। जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं अभी माता दुर्गा का प्रतिमा दिख रही होगी आपको, तो इसके बारे में चलिए थोड़ी सी अध्यक्ष जी से भी बातें कर लेते हैं। ये तो पुराना पंडाल हमारा है और इसमें हमारा कमिटमेंट है। हम माता जी के चरणों से आज ये पूजा बहुत भव्य हुआ है पटना का, और सबसे बड़ा पूजा है। पूरे जिला के लोग माँ के पास आते हैं और जो भी लोग आते हैं सच्चा श्रद्धा से माता जी के मनोकामना उनका पूरा होता है। सर, पिछले कितने सालों से ये पंडाल यहाँ बन रही है? पंडाल तो काफ़ी दिनों से लग रहा है। 1981 से मैं अध्यक्ष हूँ, पहले यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और सर, इस पर पंडाल और लाइट ये सब का मिलाकर कुल लागत कितनी होगी? लागत तो अभी हम नहीं बता सकते, लागत तो तभी बताते हैं जब हमारा सबका विदा कर देते हैं, उसके बाद हमारा कमेटी बैठती है, उसके बाद हम फरकेट करके बताएंगे पंडाल में लाइट में ये हुआ प्रसाद। और हमारे यहाँ 3 दिन का लंगर होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी। ये पंडाल इस बार कहाँ का बना है? ये पंडाल बना है राजस्थान पिलानी का, सरस्वती माँ का मंदिर है बहुत बड़ा, और हाँ, और वो मंदिर का नम ऑनटोटो पंडाल को हमने बनाया है, और फाइबर का पंडाल पहला बार बिहार में आया है। कितना खर्चा लगभग आया है वो पंडाल का? अभी नहीं बता सकते हैं, कोई आइडिया नहीं, कोई नहीं, कोई आइडिया नहीं। और सर, कारीगर कहाँ के हैं? सब बंगाल के हैं, सब बंगाल के कारीगर जी। हमारा जब भी पूजा हो रहा है 81 से सब बंगाली के लोग आते हैं, लाइट में, पंडाल में और मूर्तिकार भी। अच्छा, यहाँ भीड़ बहुत लगती है, तो सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी तो काफ़ी कार्रवाई कर रखी है, आप लोगों ने क्या किया? सीसीटीवी कैमरा ये सब का? पूरा सीसीटीवी टीवी हमारा कोतवाली से लेकर फ्रेजर रोड तक है, हमारे वॉलेंटियर लोग हैं, हमारे संस्था के लोग कमिटेड लोग हैं, वो लोग लगे रहते हैं, सब माँ बहन को सुरक्षित आए, माता जी का दर्शन हो। अब मेरी माँ का आज तक 7 साल में कोई भी घटना नहीं हुआ, माता जी के यहाँ जो लोग आए हैं उनकी मनोकामना पूरी हुई, घरों में खुशी है, और राज की उन्नति और राज में खुशहाली के लिए हम लोग पूजा करते हैं, और सब मजहब के लोगों को हम लोग आदर और सम्मान करते हैं। लंगर में 3 दिन कौन कौन से प्रसाद एक ही रहेगा या अलग अलग कुछ होगा? आज हलवा का होगा, कल खीरपूरी का होगा, परसों खिचड़ी का होगा। और सर, जैसा कि देखा जाता है कि हर साल डाक बंगला चौराहे पे जो लाइटनिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इस बार भी ज़बरदस्त है। इस बार सर कुछ नया है उसमें? दम नया है हर चीज़, तो इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? अलग देखने को मिलेगा। जो बच्चा सप्तमी को आएगा वो अपने माँ बाप को तंग करके नौवीं तक आएगा देखने, मतलब आकर्षण का एक अच्छा केंद्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अपना नाम बताइएगा। राजन कुमार यादव, उपाध्यक्ष हम हैं संस्था में, टोनी बाबू हम लोग के अध्यक्ष, मैं पेशे से वकील हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। आप पिछले कितने सालों से यहाँ दुर्गा पूजा समिति में आप जुड़े हुए हैं? 81-82 से एक्टिवली उस समय से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे पूजा उससे पहले से हो रहा है, लेकिन हम लोगों के सीनियर बड़े भाई लोग थे, वो लोग ज़्यादा एक्टिव थे, हम लोग उनके साथ जुट के काम करते थे, धीरे 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 वो लोग कुछ लोग रिटायर कर गए, कुछ लोग जो है सो गुजर गए, तो फिर हम लोगों ने 81-82 से इसको अपने स्वतंत्र रूप से इसको करने लगे सारा कुछ। सर, जैसे कि देखा जाता है कि यहाँ हर एक साल डाक बंगला चौराहे पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ आपने अलग से कुछ सुख सुविधा, मतलब सुरक्षा के लिए क्या आपने मतलब इंतजाम किए? सुरक्षा के इंतजाम के लिए पटना जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी व्यापक व्यवस्था किया गया है, और पटना में सबसे ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड होने के वजह से चारों तरफ के लोग और पूरे प्रांत से लोग यहाँ जुटते हैं, तो काफ़ी संख्या में भीड़ हो का जुटना स्वाभाविक है। उस लिहाज से महिलाओं के लिए अलग लाइन, पुरुष के लिए अलग लाइन दर्शन करने के लिए, कोतवाली से लेकर डाकबंगला तक सारा कैमरा का बंदोबस्त किया गया है कि किसी पर कोई गड़बड़ी ना हो, तो छीन छोरी ना हो, ये सब पिक पॉकेटिंग वगैरह काफ़ी होता है इसमें, तो वो सबको बचाव के लिए काफ़ी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और पूजा के जो वॉलंटियर्स हैं करीब 100-150,
जो काम धंधा में लगे हुए हैं, लेकिन ये समझिए कि 3 दिन और रात दिन यहाँ पर ड्यूटी में लगे रहेंगे। तो व्यवस्था किया गया, बाकी सब माँ के ऊपर निर्भर है, उनके आशीर्वाद और कृपा से अभी तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है। इस बार भी आशा है कि सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाएगा। सर मेरी लास्ट एक क्वेश्चन रहेगी, जैसे कि जो कारीगर हैं उनको कितने टाइम लगे ये पंडाल का पूरा स्वरूप कंप्लीट करने में? ये कार्यक्रम पंडाल का, ये लोग बंगाल के कारीगर हैं, सारा बंगाल में इसका ये निर्माण करते हैं हर तरह का चीज, और उसको यहाँ लाते हैं 1 महीना पहले, दशहरा पूजा के ठीक 1 महीना पहले आते हैं और यहाँ उसको असेंबल करके खड़ा करते हैं। तो समझिए कि आप ये 4-5 महीना लग जाता है ये कंप्लीट करने में। मतलब पिछले 4-5 महीने से लगातार मतलब काम किए जा रहे हैं? हाँ हाँ, पंडाल का काम अलग जो लोग करते हैं बंगाल के हैं, और मूर्ति का जो बनाते हैं वो तो 1-1.5 महीना पहले से हम यही मूर्ति का वो बनाते हैं, उसका स्वरूप जो है सो पटना आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर छात्र लोग मिलके उसका सारा जो आकृति बनता है, आँख खोलना वगैरह वगैरह चीज़ वो सब मिलजुल कर लोग करते हैं, तो समय काफ़ी लगता है। सर पंडाल की ऊंचाई और लंबाई कितनी होगी? 80 फीट और ऊपर, और 50 फीट 80x50 का अंदाज का पंडाल है। और सर मूर्ति की क्या मतलब साइज़ होगी माता की मूर्ति? मूर्ति की एग्जैक्ट साइज़ तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि नापा नहीं गया है, लेकिन अंदाज देखने से लगता है कि वो जो है 15-16 फीट के आसपास मूर्ति की हाइट है। जी धन्यवाद। कि जैसा कि अभी आपने सुना कि अध्यक्ष जी ने क्या बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसमें लागत कितनी लगी है, तो और भी ऐसे खबरों के देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अपने सहयोगी नंदन के साथ।